नमस्कार, अब एक बार फिर जुड़ चुके हैं स्टेडियम केप के साथ। जिस तरह आपको डीडीसी इलेक्शन के हर जगह की जो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, वहीं आज जो आठवीं और आखिरी चरण का जो मतदान है वो चल रहा है। अभी मैं हूं मट्टू पंचायत में और मट्टू पंचायत के पोलिंग स्टेशन पर जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो वहाँ यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, किस तरह देखते हैं जो अभी जो इलेक्शन चल रही है, वोटिंग चल रही है, किस तरह देखते हैं? एक तो बहुत बढ़िया चल रही है, बिल्कुल पीसफुल और कहीं भी कोई हंगामा नहीं है। दूसरा, लोगों का ट्रेंड जो है वो विकास की तरफ ज़्यादा है। किन किन मुद्दों को देखते हैं आप जो आपने इन जो अपनी कंपेनिंग के दौरान उछाले? हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया है डेवलपमेंट पे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से बिल्कुल ही है कि डेवलपमेंट जो वो रुक गई है। इवन जो पहले बनी हुई चीज़ें हैं उनकी रिपेयर तक नहीं हो पा रही है, नए काम कोई शुरू नहीं किए जा रहे। तो एक तो हमारा फोकस वहाँ है, दूसरा बेरोज़गारी का मसला जो है वो है, तीसरा किसानों की बुरी हालत है। अब देखिए, आपने एमएसपी निकाली है 1888, 1400-1450 रुपये किसान के घर से धान उठाई जा रही है। तो इस तरह से बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनको लॉस हो रहा है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो भी उसको रिकवर नहीं हो रही। तो ये मुद्दे भी हमारे इलेक्शन में हमने उठाए हैं। फिर महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इन सारी चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा अगर हम इन्हीं बातों पे हमने इलेक्शन जो है लड़ी है। बिल्कुल, तो जिस तरह हर एक जो कैंडिडेट था लोगों के बीच गया, कहीं ना कहीं अपनी जो बातें थी वो लोगों तक दूर पहुंचाई और कोशिश की गई, कहीं ना कहीं अगर लोगों को लुभाने की कोशिश की गई कि अगर वो जीतकर सामने आते हैं तो जो मूलभूत सुविधाएं थी जो यहाँ के लोगों की, उसे कहीं ना कहीं पूरा किया जाएगा। तो चलिए कुछ और यहाँ के दृश्य आपको दिखाएंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो जिस तरह आपको दिखा रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ये दिखा दे, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मट्टू है जो मट्टू पंचायत का यहाँ पर है। और पहले जिस तरह आपको कांग्रेस के कैंडिडेट मिले थे, अभी जो पैंथर की कैंडिडेट अनिता चौधरी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरह देख रहे हैं आज जो पोलिंग चल रही है, किस तरह की चल रही है और क्या क्या मुद्दे लेके आप लोगों के बीच पहुँचे थे? देखिए, हम पैंथर्स पार्टी जब खोड क्षेत्र में उतरी थी तो ये दो तीन जो मुद्दे थे उनको लेकर उतरी थी। पहला जो मुद्दा है वो हमारा बेरोजगारी का है, दूसरा मुद्दा हमारा जो बॉर्डरों पे ज़मीनें हैं उसको लेकर है, तीसरा मुद्दा जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। अगर मैं बात करूं बेरोजगारी की, आज आप देखिए हमारे पढ़े लिखे नौजवान हर जगह, जहां भी आप देखेंगे जो हमारे बच्चे हैं वो घरों के अंदर बैठे हुए हैं, रोज़गार का कोई साधन नहीं है। हालाँकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी ज़मीनें थी, अगर भाजपा सरकार चाहती तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा सकती थी। आज आप कहीं भी नुक्कड़ पे जाएंगे, आपको हज़ारों के तादाद में हमारे बच्चे दिखेंगे, कोई बैठे हुए हैं, कोई इधर बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर वो इस तरह से ही कभी जुए में, आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों को बड़ी सारी जो नशे की तस्करी में भी बच्चे पकड़े जा रहे हैं, उसका जो मेन कारण है वो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी है। भाजपा सरकार अगर चाहती तो यहाँ पे हमारी ज़मीनों की कोई कमी नहीं थी, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा सकती थी, फैक्ट्रियों के अंदर हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सकता था, लेकिन भाजपा सरकार ने ये नहीं किया। दूसरा मुद्दा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जो हमारे बॉर्डर्स एरिया पे जितनी भी ज़मीनें हैं तारबंदी में जो आई हुई हैं वहाँ पे मैंस लगे हुए हैं, लेकिन आज तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला। मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा सरकार से, आप इतनी देर सत्ता में रहे, आपने लोगों को क्या दिया? भाजपा सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं दिया। और रही बात महिला सशक्तिकरण की, अगर हम महिलाओं की बात करें, आज हमारी महिलाएं घरों के अंदर बैठी हुई हैं, सभी तो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं। अगर भाजपा सरकार चाहती तो हमारी महिलाओं के लिए वर्क कर सकती थी। मुद्दों के अलावा अगर कोई भी जीत के आपके, जैसे आप जीते हैं या कोई भी जीत के सामने आता है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि कौन से मेन जो काम है जो सबसे पहले होने चाहिए खोड ब्लॉक के अंदर? खोड ब्लॉक के अंदर सबसे पहले तो जो महिलाएँ हैं उनके लिए वर्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं के पास रोज़गार नहीं है। जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए फैक्ट्री होनी चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पर रोजी रोटी कमा सकें। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इन्होंने नहीं की। रोड की बात करेंगे, आपने देखा 7 साल से रोड वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। आज कुछ हलचल दिखी है उस पे? नहीं, वो तो अभी मतलब वोटिंग का समय है, ये एक इनका पॉलिटिकली स्टंट बोल सकते हैं, उस तरह से है, अदरवाइज ये सिर्फ जुमलेबाजी है कुछ नहीं। बिल्कुल, जिस तरह
दिखा रहे हैं, तमाम तरह की तमाम जगह की आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, और इसमें जो सबसे बढ़ चढ़ कर लोग सामने आ रहे हैं तो इसी बात को लेकर आ रहे हैं कि खोड़ क्षेत्र का विकास होना चाहिए और खोड़ क्षेत्र के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएँ हैं खोड़ क्षेत्र की, उसे कहीं ना कहीं जो ऐसा कैंडिडेट जीत के सामने आए जो इन चीज़ों को पकड़े। और सबसे बड़ी जो बात है वो खोड़ क्षेत्र की ये है, खोड़ और प्लांवाला ये क्षेत्र है, ये एक ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ साथ बॉर्डर के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है और कई बार इन लोगों को घर से बेघर होना पड़ता है, जबकि पाक की गोलाबारी के कारण इनको घर से बेघर होना पड़ता है, तब काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बेरोज़गारी जो है वो चरम सीमा पर है। तो जस्ता जुबा काफ़ी बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहेंगे? आपका नाम जानना चाहूँगा। अंकुश चौधरी। अंकुश जी, क्या कहेंगे, किस तरह की उत्साह है आपके अंदर जो ये वोट कास्ट कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में पहली बार DDC के चुनाव हो रहे हैं और जो ये लोगों में बहुत बड़ा ज़्यादा उत्साह है इन चुनावों को लेकर, क्योंकि पहली बार जम्मू कश्मीर में जो 3-tier सिस्टम है वो इधर चुनावों को लेकर लोगों में बड़ा ज़्यादा उत्साह है और ख़ासकर जो जहाँ की नौजवान पीढ़ी है वो बड़ी ज़्यादा उत्साहित है। बिल्कुल, नौजवान पीढ़ी कहीं ना कहीं उत्साहित जरूर है, लेकिन एक ही उनके मन में ये है, एक ही आशा है कि कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट को भी जो भी प्रत्याशी जीत के सामने आएगा तो उनके कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो आप इसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देख रहे हैं स्टेट इनक्लेव। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में विकास शर्मा, खोड़।